स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 नंबर। ओके, सवाल को पढ़ा जाए पहले, सवाल को पढ़ते हैं पहले। देखो सवाल आपके सामने, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। एक तो ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, ए के पास है। फिर से एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बीसी। थोड़ा थोड़ा सवाल करते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला है सवाल में, ठीक है, मैं यहाँ पर सवाल देख सकते हो, मैं यहाँ पर सवाल, यहाँ पर देखो सवाल ये आपका बुक का है। तो इसको देखते हुए मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखो आपको बुक में यहाँ पर क्या क्या होना, बुक का आपका यहाँ पर पिक्चर है। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो ए बी सी ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए बोला है ना। चलो ऐसे फिगर हो गया हमारा राइट एंगल एट ए, ए के पास राइट एंगल है। तो यहाँ पर रखते हैं ए को, यहाँ पर राइट एंगल है। तो फिगर हम ऐसे बनाते हैं, ए बी इधर रखो, सी को ऊपर रखो नहीं तो। ओके, फिर क्या सवाल हम बोला, देखो फिर बोला है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। उसके बाद बोला ए डी इज ड्रॉन, ए डी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए डी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ से देखो, ए डी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ए डी मैंने ड्रॉ किया, ए डी किया जो कि परपेंडिकुलर बी सी के साथ। देखो बी सी के साथ ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर का साइन दो। फिर सवाल क्या बोला है, ए बी का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखो, ए बी का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। फिर सवाल क्या बोला है, एंड ए सी है 12 सेंटीमीटर, ए सी कहाँ गया, ये रहा हमारा ए सी, ये है 12 सेंटीमीटर। तो चलो इसको यहाँ पर लिख दो 12 सेंटीमीटर, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब लाइन मत दो, सिर्फ यहाँ पर 12 लिख दो, समझ जाएंगे और कितना लिखने की क्या जरूरत है। सिर्फ यहाँ पर हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर सवाल में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का निकालो, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, और ए डी का मेजरमेंट में निकालो। हो गया सवाल, ठीक है। अब मोबाइल को रख देते हैं और सवाल में आते हैं। हमें पहले क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, फिर हमें ए डी, जो ए डी का जो यहाँ पर लेंथ आप देख रहे हो उसका मेजरमेंट हमें निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखो क्या करना है, पहले समझो, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल में पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये पूछा है। तो देखो ना, ये बेस है और ये हमारा हाइट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल तो आपने समझ लिया, और एक चीज़ जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लास्ट सवाल है, बस समझ लो, उसके बाद आपका ख़त्म। अच्छा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से जो बोलता हूँ ध्यान सुनना, नोट डाउन कर लो नहीं तो। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी, ओके, मैं अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको छोड़ो, उसको भूल जाओ, अभी ये कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हेडिंग लगा लो, ये आपको कुछ नोट डाउन करना है तो करो, नहीं तो आप सिर्फ सुनते जाओ जो मैं बोलता हूँ, सिर्फ सुनते जाओ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये बेस है हमारा, ये बेस है और ये हमारा हाइट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ हाइट, ठीक है, हाइट। अच्छा, क्या इस तरह के जो फिगर होते हैं बच्चों, सिर्फ क्या यही बेस और यही हाइट हो सकता है क्या? इस तरह के फिगर में हम और वे में, और कुछ वे में भी बेस और हाइट को लिख सकते हैं क्या? यस, हम लिख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बेस ये हो और हाइट ये हो। दिस इज ऑल्सो बेस एंड दिस इज हाइट, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है। बट राइट एंगल ट्रायंगल में और भी कहीं पर बेस और हाइट हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, जैसे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी डी, में लिखा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझो, मैं लेंथ क्या सिर्फ ए बी को बोल सकता हूँ कि मैं डीसी को लेंथ नहीं बोल सकता? अगर मैं बोलूँ इसका एरिया निकालो, तो एरिया ए फॉर एरिया, अच्छा मैं लिख देता हूँ, नहीं तो एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल इंटू बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए बी, ए बी क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ क्या है, बी सी। तो हमेशा क्या ए बी और बी सी ही नेमिंग यूज होगा, और किस तरह के नेमिंग यूज हो नहीं सकता क्या? ए बी और बी सी, हमें पता है ए बी इंटू बी सी क्या निकलेगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी निकल जाएगा। बट बच्चों फिर से अगर हम एरिया निकालना चाहें तो क्या हम दूसरा नेमिंग यूज नहीं कर सकते? क्या हम इस साइड को यूज नहीं कर सकते? क्या बच्चों हम डी सी इंटू ए डी क्या लिख नहीं सकते हम? बताओ मुझे, डी सी भी लेंथ है और ए डी भी लेंथ है, ये ब्रेथ है। ऊपर भी हमने लेंथ एंड ब्रेथ ही लिखा है, नीचे भी हमने लेंथ एंड ब्रेथ ही लिखा है। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करो, ए बी इंटू बी सी करो, तभी भी आंसर निकलेगा सेम, या फिर आप ए डी इंटू डी सी करो तभी भी आंसर आपका, ए डी इंटू डी सी करो तभी भी आंसर आपका सेम ही निकलेगा। मतलब एरिया के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर उसको चेंजेस करते हो तो। यह है रेक्टेंगल का केस है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में भी बात नहीं करना है हमें, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है, तो ये समझ लो।
रेक्टेंगल के बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में? हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे बच्चों देखो एरिया मुझे निकालना है ट्राइंगल का, तो मैं हाफ बेस, बेस मतलब क्या, ये बी सी है, बेस बी सी, और हाइट क्या है हमारा, हाइट ये हमारा ए बी है, तो मैं ऐसे यूज़ करके एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं बताओ? ठीक है, अच्छा ये तो एक रूल आप जान रहे हो कि हाफ ये बेस मतलब क्या बी सी, और हाइट हम यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट, ये हाफ है मेरा जो फॉर्मूला है हमारा, हाफ बेस कितना है बी सी और हाइट कितना है ए बी, तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करके मैं एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं बताओ मुझे? ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया। अच्छा क्या यही वे में आप एरिया निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल का कब अब यही यूज़ करके नेम यूज एरिया निकाल सकते हो क्या? और भी कुछ हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैंने देखो वो सेम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पर ए है मेरा, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, अगर यही ट्रायंगल एबीसी है सेम है, बट अभी मैं बेस इसको बेस बीसी और हाइट एबी को ना लेकर, यहाँ पर तो मैंने लिया था ना बीसी बेस और एबी हाइट, अब मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट करूँगा, मैं यहाँ पर हाइट ड्रॉ करूँगा, कहाँ पर, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिया, यहाँ पर डी लिया मैं, तो क्या बच्चों ये जो है क्या ये एसी मेरा बेस और ये बीडी हमारा हाइट नहीं होगा? ध्यान से देखो इस चीज़ को, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। राइट एंगल ट्रायंगल देखो सेम फिगर है, दोनों ट्रायंगल सेम है, ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल का एरिया जो होगा ये ट्रायंगल का एरिया सेम ही होगा, दोनों सेम ट्रायंगल है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो अलग अलग मेथड है, बट ट्रायंगल का एरिया का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ में मुझे आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट जो एरिया का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर भी सेम निकलेगा, बट यहाँ पर क्या हो गया बेस और हाइट चेंज हो गया हमारा, पहले हमारा बेस ये था और हाइट ये था, अब हमारा बेस क्या हो गया, अब हमारा बेस हो जाएगा बच्चों एसी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा बेस, कौन सा एसी हो गया हमारा बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, हमेशा पता है कि बेस के ऊपर ही हाइट रहता है, तो हाइट कहाँ पर जा रहा है, मतलब हाइट ये जो है नीचे तरफ जा रहा है, तो किस पर है, हमेशा जो हाइट जो खड़ा होता है वो बेस पर ही खड़ा होता है। ठीक है, बिना बेस का हाइट नहीं होगा, तो ये रहा हमारा हाइट, तो बी डी क्या है बच्चों, हमारा हाइट है, यहाँ पर मैं हाइट लिख दूँ, ये हमारा हाइट है, बी डी हमारा हाइट है और ए सी हमारा बेस है, तो अगर यहाँ पर भी मैं अगर एरिया निकालूँ तो हाफ बेस की जगह मैं क्या पुट करूँ, ए सी पुट करूँगा इंटू हाइट कितना है बच्चों, बी डी, बी डी मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा मैं एरिया, तो ये दोनों केस में मैं एरिया ही निकाल रहा हूँ। आप ये फॉर्मूला यूज़ करो हाफ बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला सेम है, हाफ बेस इंटू हाइट करो तभी भी एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए बी सी का निकल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये हाफ बेस इंटू हाइट करता हूँ तभी भी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का निकलेगा, कहने का मतलब ये जो एरिया है इस पर कोई चेंजेस इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर जो वैल्यू पुट करके जो एरिया आप निकालोगे वो इसके साथ इक्वल होगा, दोनों सेम ही है क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है। ठीक है, मुझे दूसरा ट्रायंगल एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, मुझे एक ही ट्रायंगल में समझा देना चाहिए था, चलो मैं समझा देता हूँ फिर से, मुझे एक्चुअली दो ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं करना चाहिए था, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये सेम ट्रायंगल है, पहले हम यूज किए एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, अब इसी फिगर में बनाता हूँ, देखो इसी फिगर में मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर डी लिखता हूँ, तो एरिया का जो वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस इंटू हाइट, तभी भी एरिया का जो वैल्यू निकलेगा। अच्छा फिर से मैं और एक वे, ये एक वे है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेगा, दूसरा वे क्या होगा वही हाफ, बट अब मेरा बेस बन जाएगा ये, क्योंकि इसको मैंने हाइट माना, ये हाइट है तो ये मेरा बेस है, तो अब मेरा यहाँ पर बेस बन जाएगा ए सी और हाइट बन जाएगा क्या बच्चों बी डी। ठीक है, कहने का मतलब आप ये यूज़ करो, इसको यूज़ करो या फिर आप इसको यूज़ करो, एरिया जो वैल्यू ये हमेशा सेम होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल का आप कर रहे थे, आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करो तभी भी ये रेक्टेंगल का ही एरिया निकलेगा, या फिर आप इसको लेंथ इसको ब्रेथ यूज़ करो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। उसी तरह यहाँ पर ट्रायंगल पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ये यूज़ करो फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर आप नीचे वाला करो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा बच्चों आप इसको बेस और हाइट करके जो फॉर्मूला डालोगे इसका भी वैल्यू वही नहीं निकलेगा, सेम निकलेगा, दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा, याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए हो, आप चाहो तो ये बेस हाइट यूज़ करो या फिर ये बेस और ये हाइट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू सेम रहेगा ऑलवेज। तो ये कॉन्सेप्ट सारे समझ चुके हो आप, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट समझाना आपको, अब आते हैं सवाल में। कॉन्सेप्ट समझना अगर समझ जाओगे तो हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, एग्जाम अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट तो कर पाओगे। तब हम सवाल में आते हैं। ठीक है, देखो
ये रहा हमारा बेस था, ये हाइट था, तो पहले रेफ्ट एंगल निकाल लो। चलो निकालो, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो, हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल, हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबी का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, एसी का मेजरमेंट कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया निकालो। ये पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब दो सवाल पूछे थे ना इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, ये हुआ हाफ, बेस कितना है बच्चों, बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी इंटू, फिर हाइट कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है ए सी, ठीक है, हाइट हमारा क्या है ए सी। चलो यहाँ पुट करो, 1/2 इंटू बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है, ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, मैं यहाँ पर अलग से कर दूँ क्योंकि ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग मतलब ये अलग सा है, ये अलग है, ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होना, ये स्टेटमेंट है ओनली, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है, बेस का देखो ये ए बी और हाइट कितना है हमारा ए सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 5 × 6 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया एरिया बच्चों हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब नेमिंग दे दो यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना निकला बच्चों हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब हम मेन चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, इस चीज़ को आप नोट डाउन करो, बॉक्स के अंदर रखो इसको पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब जो ए बी सी जो ट्रायंगल हमारा है इसका एरिया हमें फाइनल पता चल गया कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया तो अब देखो इसका यूज आएगा। यहाँ तक सबने लिख लिया, इसको जल्द से कॉपी कर लो, अब मैं रब करने वाला हूँ इसको। ओके, चलो इसको हम रब करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा यहाँ पर निकल चुका। ओके, चलो थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला था, देखो, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों हमें मिल चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें मिल चुका है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें क्या करना, हमें क्या पूछा है बच्चों, एडी का मेजरमेंट पूछा है कितना होगा, एडी का मेजरमेंट पूछा है ना, सेकेंड सवाल क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी का मेजरमेंट पूछा है। तो पहले केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसको बेस, ए बी को बेस मान रहे थे, ध्यान से जो बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनो, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था आपको फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। देखो इस केस में ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने बेस किसको यूज़ किया था, ए बी को बेस यूज़ किया था, और हाइट किसको, ए सी को हमने हाइट यूज़ करके हमारा आंसर कितना निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर आप ऑलरेडी तो निकाल के रखे हो ना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर से क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहा हूँ बता रहा हूँ, देखो मैं फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, बट मुझे पता है वैल्यू कितना है, बट मैं फिर से निकालूंगा। देखो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, बट मुझे फिर से निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या है फॉर्मूला बताओ मुझे, हाफ बेस इंटू हाइट, सब बच्चे जानते हैं। पहले केस में मैं क्या कर रहा था, हाफ बेस की जगह पहले मैं क्या यूज़ कर रहा था, ए बी को यूज़ कर रहा था, और हाइट की जगह मैं ए सी को यूज़ कर रहा था, ए सी को यूज़ कर रहा था। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे फिर से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, बट मैं अभी बेस किसको यूज़ करूँगा, मैं बेस यूज़ करूँगा बी सी को, और हाइट यूज़ करूँगा ए डी को। ध्यान से देखना क्या मैं बोला, ध्यान से सुनो, मैं अभी फिर से ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने वाला हूँ, बट मैं अभी बेस किसको यूज़ करने वाला, बी सी को मैं बेस यूज़ करूँगा और हाइट यूज़ करूँगा ए डी। तो मुझे बताओ बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल के वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यही चीज़ मुझे आपको समझाना है, देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस की जगह अब मैं ए बी नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ए बी को यूज़ कर लिया है, अब मैं बेस यूज़ करूँगा किसको, बी सी को, बी सी को बेस, यहाँ पे लिखा बी सी इंटू हाइट, मैं किसको यूज़ करूँगा, अब ए डी को यूज़ करूँगा। पहले मैं किसको यूज़ कर रहा था, पहले मैं ए सी को यूज़ कर रहा था, ठीक है, बट अब मैं ए डी को यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये बेस बी सी पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो अब हमें, अब मैं हाफ बेस इंटू हाइट,
यहाँ हमारे LHS में क्या था बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस मैंने यूज़ किया BC को और हाइट यूज़ किया मैंने AD को। अच्छा बट बच्चों हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, देखो कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस जगह पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना लिख के मैं अब कितना लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्वल टू, यहाँ पर जो लिखा है आपको डिटो वैसे लिखना है, हाफ बेस ए BC इंटू AD। तो बच्चों ये रहा हमारा इक्वेशन, यही मैं आपको समझा रहा था, यही ये रहा हमारा इक्वेशन। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये रहा हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना तक इतना समझो, पहले इतना कॉन्सेप्ट समझो, अभी ख़त्म नहीं हुआ सवाल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ BC इंटू AD, ये समझ में आ गया। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर परेशानी बताया क्या है, हमें BC का वैल्यू नहीं पता, हमें AD का भी वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर दो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा, जिसका हमें 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 किसका लेंथ फाइंड करना था, AD का लेंथ फाइंड करना था। तो AD हमें पता नहीं, बट बच्चों हमें BC भी नहीं पता। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, कोई एक अननोन हो सकता है, बट यहाँ पर दो दो अननोन है, दोनों का वैल्यू हमें नहीं पता। AD का तो हमें निकालना है, BC का भी वैल्यू नहीं पता। अगर किसी तरह हम BC का वैल्यू जान लें तो हम इस इक्वेशन में पुट करके हम AD का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा अब ये सवाल आता है कि BC कैसे निकालें, BC का तो मेजरमेंट सवाल में गिवन ही नहीं है। तो BC का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अब इसको यहीं पर साइड में रहने दो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बस आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दो, आपका हो गया। अच्छा यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मैं ऊपर का रब कर दूंगा, ये चीज़ को मैं ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर जगह मिल जाए करने के लिए। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, ओके लिख दिया। अच्छा इसको मैं रब कर लेता हूँ, और ये जो पोर्शन मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर स्पेस मिले करने के लिए। कितना इक्वेशन, मैं इसको सजा के लिख देता हूँ इक्वेशन को, हाफ बेस कितना है बच्चों, BC इंटू AD है, इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इक्वेशन को यहाँ घुमा के लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को अब ध्यान में रखो, क्योंकि ये मेन इक्वेशन है, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे, इसका काम बाद में आएगा। तो पहले हमें BC का वैल्यू पता चले, इस इक्वेशन का काम बाद में है, ठीक है। यही चीज़ को मैं ऊपर वहाँ पर घुमा के लिखा हूँ। अब हम इसको रब कर लेंगे, अब हम पहले BC का वैल्यू निकालेंगे, BC का वैल्यू अभी तक निकला नहीं है, तो निकालो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, लंबा क्वेश्चन होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पेशेंस रखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो है हमारा, हमें वैल्यू पता है, AB का वैल्यू हमें पता है, लिखने की जरूरत नहीं, हमें ऑलरेडी तो पता है सब, ठीक है। डायग्राम इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, क्या बच्चा हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पर लिख लो, अब मैं यहाँ पर जगह नहीं होगा परपेंडिकुलर लिखने के लिए, आप समझ जाओ यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर, ओके। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, चलो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज, इसको बेस बोलते हैं, इसको ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद ही होगा, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था आपने, ये क्या है, बेस है, ये क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, BC, हम यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, AB, तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, ओके। दैट इम्प्लाइज BC कितना है, BC हमें फाइंड आउट करना है, तो BC को छोड़ो, AB कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC कितना है बच्चों, AC देखो, AC हमारा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर, इसको आप दोनों को प्लस करोगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो 2 कैंसिल कर दो, इसका दो कैंसिल, तो हमारा BC कितना हो गया बच्चों, BC हो गया 13 सेंटीमीटर आंसर निकला। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर।
तो जैसे ही हमें बी सी मिला बच्चों, उसके बाद यहाँ पर अभी इक्वेशन लिख दो, यहाँ पर अभी इसको इक्वेशन मान दे दो, क्या दोगे इसको? यहाँ पर आपने जो निकाला है इसको इक्वेशन मान दे दो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन वन, तो हमें यहाँ पर ए डी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक आपने लिख लिया है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। हो गया कॉपी, रेडी? चलो इसको रब करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने इक्वेशन वन लिया, मैंने आपको दिखा दिया कि बी सी का मेजरमेंट 30 निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नाउ, यहाँ पर लिखा नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन वन लिखो, इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं इसमें, तो पुट करो क्या होगा, इक्वेशन वन पर लिखते हैं पहले, हाफ बी सी इंटू ए डी इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखो हाफ दैट इम्प्लाइज इंटू बी सी का हमें वैल्यू मिल गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 13 सेंटीमीटर इंटू ए डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके दैट इम्प्लाइज, तो इसको सॉल्व कर दो तो ये होगा 13 बाई 2 सेंटीमीटर इंटू ए डी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 13 बाई 2 सेंटीमीटर इंटू ए डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके दैट इम्प्लाइज। तो यहाँ पर ए डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू, ये 13 बाई 2 इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2 बाई 13 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सेंटीमीटर जो है बच्चों वो यहाँ पर देखो वो ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा, सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझो, यहाँ पर 13 बाई 2 के 1 बाई 2 इंटू 13 सेंटीमीटर क्या होगा, तो 13 बाई 2 सेंटीमीटर 13 तो ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ही सेंटीमीटर रहेगा यहाँ पर, तो ए डी का जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका 30 इंटू 2 60 हो गया, 60 बाई 13 को सॉल्व अगर करोगे तो इसका चलो डिवाइड करके देखो, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ओके डिवाइड करते हैं, चलो 13 को डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करते हैं, कितना हो गया 13, कितना डालेंगे 5 ज़्यादा हो जाएगा, 4 डालते हैं, 13 4 जा 52, ओके 13 4 जा 52 माइनस करो, कितना हो गया 8 हो गया, मैं 8 हो गया, फिर पॉइंट डालो यहाँ पर कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर 6 डालो, 13 6 जा 78 होता है, माइनस करो कितना आएगा 2, पॉइंट मतलब 0 आ जाएगा, फिर 13 1 जा 13, बस अप्रॉक्स इतना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, माइनस करो 7 आएगा, अब चलते जाएगा, बस इतना आप लिख दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 4.61 सेंटीमीटर, इतना अप्रॉक्स आता है, ठीक है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आ रहा हमारा ए डी का वैल्यू 4.61 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है, ध्यान से देखो इस चीज़ को और समझो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 4.61 सेंटीमीटर, इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो ये हमारा वर्कशीट नहीं, ब्रेंडेजर चल रहा था हमारा ब्रेंडेजर, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ओके। तो आपका चैप्टर नंबर 11 आज खत्म, ठीक है, बस झूम उठो, खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है। और हॉट्स का बच्चा मुझे पता है, हॉट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है, एंगेजमेंट क्वेश्चन भी है, बाकी के भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ओके। बस आपको ये समझना था, मैं आपको समझा दिया हूँ और मैं अपने आप से फुल सेटिस्फाई हूँ कि मैं आपको इस तरह समझा पाया, ठीक है। मुझे पता है सारे बच्चे समझे होंगे, बी सी का जो मेजरमेंट निकला ना बच्चों 13 सेंटीमीटर कहाँ है, 13 जो यहाँ हमने पुट किया ना 13, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में भी यहाँ पर शो कर सकते हो कि हमारा यहाँ जो 13 सेंटीमीटर निकला, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर शो कर सकते हो, ओके। तो जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया है, आई होप आप समझ गए होगे, अगर नहीं समझ में आता स्टार्टिंग से देखो गारंटी समझ में आ जाएगा, ओके। और कोई वीडियो स्किप मत करो, लंबा होता है वीडियो तो क्या हुआ, आप पूरा देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, क्या दिक्कत है, एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे। स्किप करके देखो कुछ चीज़ में अगर बोल दिया हूँ, बीच में इंपॉर्टेंट कोई चीज़ बोल दिया हूँ, आप नहीं सुन पाए हो गया, समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो पूरा लेंदी वीडियो, अब पहले वीडियो बच्चे देखते हैं कि अरे वीडियो कितना मिनट का है, 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधा घंटे का, अरे इतना बड़ा कौन देखेगा। आप पेशेंसली देखो, यहाँ आपको 20 मिनट आधे घंटे का वीडियो देखने का आपको पेशेंस नहीं है तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, 3 घंटा 4 घंटा आप कैसे बैठते हो एग्जाम में 3 घंटा,
ठीक है, तो थोड़ा देखा करो, इतना मेहनत से वीडियो बनता है, आपके लिए तो बनाता हूँ, ठीक है, तो इतना समय में लेकर एक एक चीज़ को समझाता हूँ ताकि आप अच्छे आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। एक बार मेरे पूरा वीडियो कोई अगर देख लेगा ना तो उसका 1% भी डाउट नहीं निकलेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, 1% भी डाउट नहीं निकला, अगर वो पूरा देखा होगा तो, नहीं तो उसका डाउट निकलेगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हॉट्स का पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हॉट्स के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एंडेसमेंट के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, अब पता नहीं कहाँ कराऊँ, इसमें कराऊँ, बोर्ड में कराऊँ या फिर लैपटॉप में कराऊँ, मुझे पता नहीं। अगर आपको कमेंट करके बताना है कहाँ कराना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ना अच्छा लगता है कि लैपटॉप पे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हॉट्स।